आज हम जिस आजाद भारत में जी रहे हैं वो आजादी हमें एक लंबे संघर्ष के बाद मिली है, जिसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे महान फ्रीडम फाइटर्स के नाम उभर कर आए। वहीं कुछ ऐसे भी नाम थे जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो से गए। जी हाँ, जहाँ भारत के इंडिपेंडेंस में उनके योगदान की कहानियाँ तो दूर, कई लोग तो उनके नाम तक नहीं जानते, जिसमें नीरा आर्या भी एक ऐसा ही नाम है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश बागपत में रहने वाली इस क्रांतिकारी बेटी ने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बचाने के लिए उन्होंने अपने पति की हत्या तक कर दी थी। इतना ही नहीं, नीरा जब जेल में थी तो अंग्रेजों ने उनके ब्रश तक काट दिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गद्दारी नहीं की। तो चलिए आज हम जानेंगे भारत की एक महान बेटी नीरा आर्या के बारे में, जिनका बर्थ 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नीरा ने छोटी उम्र से ही अपने देश के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया था। वहीं नीरा के पिता ने कम उम्र में ही उनकी शादी जय रंजन दास से कर दी थी और उनके पति दरअसल ब्रिटिश सरकार के लिए काम किया करते थे। कुछ समय बाद ही नीरा ने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में झांसी रेजिमेंट ज्वाइन कर लिया। वहीं ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे नीरा के पति को अंग्रेजों ने नेताजी की जासूसी करने और मौका मिलते ही उनकी हत्या की जिम्मेदारी दी थी। इसके लिए जयरंजन दास ने कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली। वहीं जब नीरा को अपने पति के इस मिशन के बारे में पता चला तो वो उनके खिलाफ हो गए। और एक दिन जब जयरंजन दास नेताजी को मारने का प्रयास कर ही रहे थे कि नीरा ने अपने पति को छुरा घोंप कर मार डाला और नेताजी की जान बचा ली। इसके बाद अंग्रेजों ने नीरा को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई और नीरा को अंडमान जेल भेज दिया गया। वहीं जहां उन्हें छोटी सी कोठरी में लोहे की सख्त जंजीर से बांध कर रखा गया था और उनके साथ लगातार बदसलूकी की जा रही थी, यहां तक कि उनके ब्रश तक काट दिए गए थे। वहीं अंग्रेज नीरा से लगातार सुभाष चंद्र बोस का पता पूछते रहे, लेकिन नीरा ने अपना मुंह नहीं खोला। वहीं अगर हम कुछ इतिहासकारों की माने तो अगर नीरा सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी दे देती तो उन्हें जमानत मिल जाती, लेकिन नीरा ने ऐसा नहीं किया। वहीं इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद नीरा जब जेल से बाहर निकली तो उन्होंने हैदराबाद में फूल बेचकर अपना बाकी का जीवन गुजारा। 26 जुलाई 1998 को भारत की इस महान बेटी ने अपना शरीर छोड़ दिया।